हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सेहतमंद होना हर किसी का सपना होता है, पर लेकिन सपने देखना अलग बात होती है और उन्हें पूरा करना अलग बात होती है। आप सभी एक मिनट के लिए सोचिए कि आप अपने सेहतमंद होने के सपने को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा था। वे भी उसके पीछे चलने लगे। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़र से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक कर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो वापस लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़े हुए थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। तो अंत में थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। राजा ने शंकर से पूछा कि इस उम्र में भी तुम इतने अच्छे, सेहतमंद और प्रसन्न कैसे हो, बताओ, मैं तुम्हारी सेहत का रहस्य जानना चाहता हूँ। शंकर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। तो राजा ने कहा, ठीक है, चलो हमें भी ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया। उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम हमें मूर्ख समझते हो, यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है। शंकर ने विनम्रता से कहा, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं है, वो मेरी मेहनत का फल भी है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर में अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को इनाम के रूप में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और सम्मानित भी किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हम छोटे बड़े कामों सभी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी का मौका होता है वो भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर सीधा पड़ रहा है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं और 11% लोग ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन शारीरिक श्रम को महत्व दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।